इस वीडियो में हम YouTube एंड स्क्रीन्स के बारे में सीखेंगे। ये क्या हैं? एंड स्क्रीन्स की क्या जरूरत है और आप अपने YouTube वीडियोस में इंटरैक्टिव एंड स्क्रीन्स कैसे लगा सकते हैं? हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। एंड स्क्रीन्स क्या हैं? देखिए, अपने हर वीडियो के एंड में आप 5 से 20 सेकंड लंबे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लगा सकते हैं। इससे आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आपके वीडियोस के एंड में आपके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और आपके सजेस्टेड एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। आइए आपको कुछ एंड स्क्रीन्स के एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। ये है एक एग्जांपल। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कैसे चैनल का एक वीडियो और एंड में आपको ये यहाँ पर 4 सजेस्टेड वीडियोस एंड स्क्रीन्स में दिख रहे हैं। अब एंड स्क्रीन एलिमेंट्स का क्या फायदा है? YouTube पर एनोटेशंस तो पहले से भी थी, लेकिन ये एनोटेशंस मोबाइल पर नहीं दिखती थी और आजकल ज्यादातर लोग YouTube को मोबाइल से ही देख रहे हैं। ऐसे में एंड स्क्रीन्स आपके सब व्यूअर्स को दिखती हैं, चाहे वो कंप्यूटर से देख रहे हों या फिर मोबाइल से। चलिए अपने एक वीडियो में आपको एंड स्क्रीन्स लगाकर दिखा देती हूँ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैं यूट्यूब में लॉग्ड इन हूँ। ऊपर अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो में चले जाते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वीडियो मैनेजर, इधर क्लिक किया। अब आपके सारे वीडियोस खुल जाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो चुन लीजिए जिसके अंदर आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं। चलिए ये वीडियो चुन लेते हैं। यहाँ पर एडिट का बटन है और नीचे ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इधर क्लिक करके एंड स्क्रीन एंड एनोटेशंस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये नीचे एक टाइमलाइन है और यहाँ पर अपने आप 20 सेकंड पहले जो है आपका प्लेहेड आ गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर ऐड एलिमेंट के बटन पर क्लिक किया। देखिए, आप यहाँ पर वीडियो या प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी और चैनल को भी प्रमोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसे आपने YouTube के साथ पहले से लिंक किया है और वो अप्रूव्ड वेबसाइट है, तो आप उसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ये वीडियो और प्लेलिस्ट है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और अब एक पॉपअप सा खुल गया। वो आपसे बोल रहा है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 रेडियो बटन्स हैं, मोस्ट रीसेंट अपलोड यानी कि जो आपने अभी अभी वीडियो अपलोड किया है वो, या फिर बेस्ट फॉर व्यूअर जो कि आपके चैनल पे आए हुए व्यूअर के लिए सबसे अच्छा वीडियो है वो, या फिर आप चाहें तो आप मैन्युअली खुद से यहाँ पर चूज अ वीडियो और प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं इसे चुन लेती हूँ और यहाँ पर मेरे सारे के सारे अपलोड्स आ जाएंगे। ये हैं इंडिविजुअल वीडियोस और आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और कोई प्लेलिस्ट भी चुन सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके और कोई वीडियो यहाँ पर चुन लेती हूँ, जैसे कि ये है एक फ्री वाईफाई वाला। ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और नीचे क्रिएट एलिमेंट के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ गया। आप चाहें तो आप इस एलिमेंट को स्क्रीन पर इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में कोई ऐसी चीज हो जिसे कि आप अवॉइड करना चाहते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एलिमेंट को कहाँ पर प्लेस करते हैं। तो ये हो गया एक एलिमेंट। अब ऐड एलिमेंट करके और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से एक स्क्वायर सा आ गया जो कि है क्या कैसे का लोगो। आप चाहें तो आप उसे भी इस तरह से अपनी स्क्रीन पर हिलाकर और उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे अलाइन कर लेती हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पर स्क्रीन में 2 एलिमेंट्स आ गए। तो ये 2 एलिमेंट्स आ गए और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे टाइमलाइन में ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स इस तरह से दिख रहे हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर ये प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपके वीडियो में दिखेगा।
और आप इसे पॉज कर सकते हैं और फिर सेव के बटन पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात मैन्युअली एलिमेंट्स ऐड करने की। अब हम प्रीव्यू को ऑफ कर देते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर टेम्पलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही काम का फीचर है। अगर आप यूज टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर यूट्यूब ने रेडीमेड बहुत सारी अलग अलग टेम्पलेट्स दी हैं, यानी कि लेआउट्स हैं जिसके अंदर कि आप अलग अलग वीडियोस और सब्सक्राइब के बटन की पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, इधर क्लिक किया, ये है चार वीडियोस वाली। अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर दो वीडियो हैं और ये सब्सक्राइब का बटन। इसी तरह से अलग अलग आपके पास कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और आपको जो पसंद हो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये है, यहाँ पर आपके पास एक वीडियो है, एक सब्सक्राइब और एक लिंक। यहाँ पर आपके पास दो वीडियोस हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे देती हूँ जो एंड में है, चार वीडियोस का। हमने इधर क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया और इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने पहले से कोई एंड स्क्रीन डाली है और आप उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप करंट एंड स्क्रीन को बदलना चाहते हैं, उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से चार आपको एलिमेंट्स दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पर या तो वीडियोज या प्लेलिस्ट चुन सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो वीडियो और दो प्लेलिस्ट चुन लेते हैं। जैसे ही मैंने ये वीडियो सिलेक्ट किया, ये देखिए इसकी पोजीशन जो है ये नीचे हो गई। वापस यहाँ पर गए और यहाँ पर एक और मैं वीडियो सिलेक्ट करके सेव के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से जो सिलेक्टेड दो वीडियोस हैं यहाँ पर ऊपर आ गए और यहाँ पर ये नीचे आपको दिख रहे हैं। टाइमलाइन में भी आपको ये नीचे दिख रहे हैं। अब ये रही ऊपर के दो वीडियोस की बात। आप चाहें तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने प्लेलिस्ट इस तरह से क्लिक किया और ये वाली प्लेलिस्ट सिलेक्ट करके सेव कर दी और एंड में एक और प्लेलिस्ट चुन लेते हैं। ये है मेरी टॉप 10 वीडियोस की प्लेलिस्ट, इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ। तो ये देखिए, दो वीडियोस और यहाँ पर दो प्लेलिस्ट इस तरह से एंड स्क्रीन के रूप में आ गए। पर हाँ, यहाँ पर ऊपर सेव के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, वरना आपने जो भी एलिमेंट्स डाले हैं वो सब के सब सेव नहीं होंगे और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी और कितनी एंड स्क्रीन्स लगानी चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ। ये वैसे तो आपकी मर्जी है कि आप अपने वीडियो में एक, दो, तीन या चार एंड स्क्रीन्स लगा सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। कभी प्लेलिस्ट लगा लीजिए, कभी सब्सक्राइब का बटन लगा लीजिए और जो आपके पॉपुलर वीडियोस हैं आप उन्हें एंड स्क्रीन से क्रॉस प्रमोट कर सकते हैं और अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है एंड स्क्रीन्स लगाना। आप एंड स्क्रीन्स लगा करके अपने वीडियोस को इंटरैक्टिव बना सकते हैं और अपने व्यूज और वॉच टाइम को आसानी से बढ़ा सकते हैं। YouTube क्रिएटर्स के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, 50 से भी ज्यादा। स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर दाहिनी तरफ एक आई का निशान होगा, आप उस पर क्लिक करके यूट्यूब से रिलेटेड सब वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।